दोस्त अपना राजदार बनाने की कीमत नहीं दोगे? हाय बॉबी, कैसा तू? क्या पैसा चाहिए तुझे? हाँ बोलना कितना चाहिए, मेरे पास है ना अभी। बोल तेरे, तू ये बता कि तेरे पास ये पैसा आया कहाँ से? मेरी हालत तुम्हारी ऐसी नहीं है। मेरे पास पैसा होना किसी हैरानी का बायस नहीं हो सकता। हाँ, ये पैसा तुम्हारे पास होता तो मुझे चौंकने का पूरा हक था। चौंका तो तुमने दिया मुझे अशोक। सारे हालातों से वाकिफ होने के बाद भी तुमने इस दोस्त की मदद नहीं की। अरे यार, मांगने से तो आजकल खैरात नहीं मिलती, तो मदद की बात कर रहा। तुम्हें पैसा चाहिए था तो बोलते ना यार। अच्छा छोड़ो, आप बोलो कितना पैसा चाहिए तुम्हें? ज्यादा नहीं, सिर्फ 4.5 लाख। बॉबी, तुम अभी तक मुझ पर शक कर रहे हो। पहले शक की वजह नहीं थी अशोक, लेकिन आज मैं खुराना के मुंह से सुनकर आ रहा हूं। तुमने उसे इस राज को राज रखने की कीमत भी दी है ना? हाँ, मैंने कीमत चुकाई है, लेकिन किसी दूसरे काम के लिए। तुम्हें गलतफहमी हो गई है यार। हाँ, मुझे गलतफहमी हो गई थी कि मैं तुम पर यकीन करने लगा था कि तुम मुझे नौकरी दिलवाओगे। कहाँ है नौकरी और कहाँ है वो तुम्हारा हरीश गिडवानी? तो आज इन हालात में मैं खुराना का यकीन क्यों ना करूं? गलत आदमी का यकीन कर रहे हो तुम। अरे यार, जो आदमी अपनी भांजी को ब्लैकमेल कर सकता है, वो हमारी दोस्ती को तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। अशोक, खुराना को हमारे अंदर फूट डालकर क्या फायदा होगा? फूट डालना बॉबी हुकूमत करने का दूसरा नाम है। और अगर तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुमसे बार बार यही कहूंगा कि तुम मेरा यकीन करो। जिस दिन मेरे पास यकीन की कोई वजह होगी, मैं तुम्हारे पास वापस लौट कर आऊंगा, लेकिन फिलहाल तुमसे दूर रहना ही बेहतर होगा। ये बेवकूफ दोस्त भी गलत टाइम पर आके सारी गिनती भुला देते हैं। हेलो। हेलो ब्रदर, कहाँ थे तुम? इतने देर से तुम्हें फोन करने की कोशिश कर रही हूँ, कोई फोन ही नहीं उठा रहा था। ओ जया, हाँ मैं 2 मिनट के लिए ऑफिस से बाहर गया था। बोलो। अच्छा, तुम्हारे लिए एक न्यूज है। कैसी न्यूज? अरे मैंने तुमसे वो इंस्पेक्टर थापर का जिक्र किया था ना, जो नितिन का केस हैंडल कर रहा है। हाँ, वही जो नितिन के केस को हैंडल कर रहा है ना, वो एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता चला? नहीं, उसके बारे में तो नहीं, लेकिन तुम्हारे ऑफिस से जो फाइल चोरी हुई थी उसके बारे में पता चल गया। किसने चुराई वो फाइल? खुराना ने। खुराना? और एक बात है। क्या? आजकल वो अशोक के घर बहुत आता जाता है। तो जया, तुमने इंस्पेक्टर थापर को ये बताया क्यों नहीं? वो तीनों को गिरफ्तार कर लेते। नहीं रवि, जब तक हरीश गिडवानी शहर में वापस नहीं आ जाता, ये नामुमकिन है। मैंने खुद थापर को मना किया है, क्योंकि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि खुराना ने ये फाइल हरीश गिडवानी के लिए चुराई है। और ये तब तक नहीं होगा जब तक हरीश, अशोक और खुराना तीनों एक साथ पकड़े ना जाए, है ना? ब्रिलियंट ब्रदर, ब्रिलियंट। लेकिन इसके लिए तुम्हें वेट करना होगा। इंतजार ही तो कर रहे हैं, और इसके अलावा रास्ता भी क्या है। चलो, कम से कम ये तो पता चला कि वो फाइल चुराई किसने। बाय बाय जरा। खुराना। अशोक, तुम्हें गलत फहमी हुई है कि मैंने तुम्हारे किसी राज पर से पर्दा उठाया है। बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, शराब के नशे में पता नहीं बॉबी के सामने क्या कुछ बोल गए। अशोक, मैं मानता हूं कि मैंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, मगर बॉबी से मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। बॉबी को ख्वाब तो नहीं आया होगा ना कि मैंने अपने आदमियों से कह के नितिन भंडारी के पैसे लुटवाए हैं, वो यहाँ पर आके पैसे की पूछताछ कर रहा था। यह भी तो हो सकता है अशोक कि वो तुमसे सच उगलवाने की कोशिश कर रहा हो। देखिए, वो क्या कोशिश कर रहा था क्या नहीं कर रहा था, सवाल ये नहीं है। पॉइंट ये है कि कोई एक बात उसके कान तक पहुंची जरूर है। अगर मेरे किसी भी राज पर से पर्दा उठा तो यकीन मानिए, वो पर्दा कफन बनकर आपको ठग देगा। Do you understand this? Yes, I do. And very well understand it too. मैं बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूं कि तुम मुझे मौत की धमकी देने की कोशिश कर रहे हो, जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। शो मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये आप मुझे मत सिखाइए खुराना साहब। फिलहाल जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप उसे अपने जहन में बैठाइए।
मैं आपकी वो भांजी नहीं हूं जिसे आपने ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। अरे छोड़िए, क्या बात करते हैं आप, तो उसे भी ब्लैकमेल नहीं कर सके और मुझे तो ब्लैकमेल करने की आप कोशिश भी मत कीजिएगा। अब आप जाइए यहां से, मैं आपसे बहस करने के मूड में नहीं हूं। जस्ट रिलैक्स अशोक। यस आई विल खुराना साहब। रवि फाइल। नितिका, ये फाइल तुम्हें कहां से मिली? अब ये हरीश गिडवानी हम। रवि, तुम यहां होकर भी यहां नहीं हो। तुम्हारा डिवोशन, तुम्हारी लगन कुछ भी तो नहीं है यहां। मैं यहां प्रेजेंट हूं तो ऐसी प्रेजेंस का क्या फायदा? जो जिस्म यहां और दिमाग कहीं और, किसी और मसले में उलझा हो तो फिर उन मसलों का हल कर लेने दो जो मुझे परेशान कर रहे हैं। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो उन मसलों के बारे में। अरे कल तक तो तुम इन प्रॉब्लम से दूर रहना चाहती थी, आज ये सडन चेंज ऑफ हार्ट कैसे? ये चेंज ऑफ हार्ट नहीं, चेंज ऑफ थॉट है। दिल तो यही चाहता है कि तुम यहीं रहो, इस कंपनी के बारे में सोचो, लेकिन दिमाग जानता है कि इस वक्त ये मुमकिन नहीं। रवि, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे कंधों से ये फर्ज का बोझ हट जाए, उसके बाद हम अपनी कंपनी की प्रॉब्लम्स के बारे में इत्मीनान से डिस्कस कर सकते हैं। रितिका, तुम्हारी मौजूदगी ही मेरे लिए इत्मीनान है। मुझे पूरा भरोसा है कि जब तक तुम मेरे साथ हो, मेरी ये कंपनी अपने पैरों पर खड़ी रहेगी। खड़ी तो रहेगी रवि, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं और ये कंपनी दोनों आज तक तुम पर डिपेंडेंट हैं। मेरे पास वो तजुर्बा नहीं है जो तुम्हारे पास है, और जिस दिन इस कंपनी में तुम्हारी जरूरत खत्म हो जाएगी, समझ लेना कि ये कंपनी भी बंद हो जाएगी। नितिका, तुम में ये एक खास क्वालिटी है कि तुम सामने वाले की तारीफ करके उसे बहुत ऊंचा उठा देती हो, उसे अपनी काबिलियत का एहसास दिला देती हो। काश ये क्वालिटी और भी लोगों में होती। हेलो, कौन बोल रहे? मैं उस लड़की की माँ हूँ जिसने एक भूल की आपको फोन करने की, और अब मैं भी एक भूल कर रही हूँ। आपको एहसास दिलाऊं कि बड़ों का गुस्सा बच्चों पे नहीं निकाला जाता। जब बच्चे बड़ों के रिश्ते में दखल देने लगते हैं ना, तो उन्हें अक्ल देना बहुत जरूरी हो जाता है। और तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी के साथ जो रिश्ता जोड़ने की कोशिश की है, मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। मैं अपनी बेटी को समझा चुकी हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका और इंद्र का रिश्ता बहुत बाद में जायज हुआ। उससे पहले उन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भरा था, इस लिहाज से मैं उनकी पहली पत्नी हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब बहुत सीधा है। अगर तुमने अपने गुस्से पे काबू नहीं पाया और मेरी बेटी को नाजायज बताया, तो फिर मैं भी बताऊंगी कि किसका रिश्ता नाजायज है। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रिश्ते को नाजायज करने की? अरे मैंने तुम्हें 10 लाख रुपए डोनेट किए। तुमने कोई एहसान नहीं किया मुझ पे। वो 10 लाख रुपए का चेक मैं तुम्हारे घर पे लेने नहीं आई थी, और ना ही मैंने वो पैसे जेब में रखे हैं। वो पैसे मैंने मजबूर औरतों की मदद के लिए लिए थे, और उन मजबूर औरतों में एक लड़की भी है जो तुम्हारे घर की बहू बन सकती थी, लेकिन शादी से पहले विधवा होकर वो अब तुम्हारे बेटे के बच्चे को जन्म देने वाली है, समझे तुम? कमाल है, मेरी बात तो कभी कोई सुनेगा ही नहीं। ये लो सैंडविच लो। देखा, यही मेरा मतलब है। तुम्हें पता है कि मैं 2 सैंडविच खाता हूँ, इतने सैंडविच बनाने का क्या मतलब है? अरे बन गया एक्स्ट्रा, सो व्हाट, मैं खाऊंगी। शायद एक मेरे हिस्से का बन गया होगा। ओ रितिका, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। बैठो। आओ बैठो। थैंक यू। मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझे यहाँ देखकर हैरान हैं। मैंने भी यहाँ आने से पहले काफी सोचा, लेकिन फिर मैंने ये रियलाइज किया कि अगर मेरा मकसद पॉजिटिव है तो यहाँ आने में घबराना कैसा, और मैं यहाँ चली आई। वैसे मैं ऑफिस आ ही रहा था,
तुम वहां मेरा इंतजार कर सकती थी। लेकिन रवि, रितिका को ये नहीं मालूम ना तुम किसके ऑफिस जा रहे हो। ये तो तुम्हें अपने ऑफिस ले जाने के लिए आई है। प्रीति जी, आपने तो मेरी दिल की बात समझ ली। एक्चुअली मैं उस कंपनी में पार्टनर हूँ जिस कंपनी में रवि जी के बिना कामयाबी का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और रवि जी उस कंपनी के ओनर के भाई हैं जो अपने आप में कामयाबी का एक दरख्त है। इससे पहले कि वो उस दरख्त के साए के नीचे चले जाएं, मैंने सोचा कि उन्हें याद दिला दूं कि उनका अपना खुद का एक पौधा भी है जिसे उनकी सख्त ज़रूरत है। रवि, रितिका बिल्कुल सही कह रही है। रितिका को ही ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, लेकिन ऑफिस को भी तुम्हारी ज़रूरत है। और अगर अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए रितिका तुम्हें लेने आई है तो तुम्हें जाना पड़ेगा। दो दो फायरिंग लाइन के बीच खड़ा हो गया हूँ मैं। अरे भाई, मैं ऑफिस जा ही रहा था। वैसे भी फाइल के बिना मैं जया की कोई मदद तो कर ही नहीं सकता। बेटर होगा मैं अपने ही बिजनेस पर जाकर फोकस करूँ। I'll see you there. Well, कुछ गलत बातों का सही असर भी होता है। एनीवे रितिका, तुम यहाँ पहली बार आई हो, बहुत खुशी हुई मुझे। जब आप मेरे घर आएंगी मुझे भी ऐसे ही खुशी होगी। आई विल डेफिनेटली कम, एक दिन जरूर आऊंगी मैं। ओके देन, आई विल सी यू लेटर। ओके बाय। हेलो 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 जया जी, मैं प्रिया बोल रही हूँ। प्रिया, कैसी हो तुम? नितिन कैसा है? मैं ठीक हूँ। जया जी, मैं चाहती हूँ कि नितिन के एक्सीडेंट के सिलसिले में पुलिस यहाँ आए और उनसे बयान ले और पूछे कि उनका एक्सीडेंट किसने किया, क्योंकि मैं जानती हूँ वो आदमी दीपक था। दीपक? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मुझे नितिन ने बताया है और उसने ये भी कहा है कि वो दीपक के खिलाफ बयान नहीं देगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि दीपक को सजा जरूर मिले। हो जाएगी, मैं भी यही चाहती हूँ। इसलिए तुम इंस्पेक्टर थापर को हॉस्पिटल लेके आई थी। वो नितिन को मिलके उसे बयान ले लेगा। लेकिन नितिन बयान नहीं देंगे, वो साफ साफ मुकर जाएंगे। डोंट वरी, इंस्पेक्टर थापर केस बनाना अच्छी तरह जानता है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। वैसे भी जो इंसान गुनाह करता है उसे सजा दिलवाना गलत काम नहीं है। वैसे तुम नितिन के दिमाग में एक बात डाल दो, गुनहगार को छुपाना भी गुनाह होता है। मैं इंस्पेक्टर थापर को कॉन्टेक्ट करती हूँ और तुम्हारे घर भेज देती हूँ। थैंक यू जया जी। अपनों को कोई थैंक्स कहता है? आखिर मेरा भी तुमसे कोई रिश्ता है। हाँ, क्यों नहीं, रिश्ता है, इसीलिए तो मैं आपसे हक से बात कर रही हूँ। तो फिर मैं इसी हक से कह रही हूँ कि तुम चिंता छोड़ दो एंड लेट मी हैंडल दिस केस। ओके, टेक केयर प्रिया, बाय। बाय। निशा, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा, मगर मेरी एक बात का जवाब दे दो। एक इंसान की एक गलती की वजह से क्या उसकी सारी अच्छाइयों को बुलाया जा सकता है? किन अच्छाइयों की बात कर रहे हैं आप? मेरे दिल में जहर भरते रहे, दीपक और मुझे ब्लैकमेल करते रहे, या फिर कुछ और? कुछ कहने और समझने के पहले सिर्फ एक बात सोचो, क्या किसी की मौत का झूठ कायम हो सकता है? ये तुमसे बात छुपी रह सकती थी कि नितिन मरा नहीं, जिंदा है। तो फिर तुमने ऐसे झूठ के सारे हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश क्यों की? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों करूंगा? सिर्फ और सिर्फ दीपक को डराने के लिए, ताकि वो नितिन को दोबारा मारने की कोशिश नहीं करे। और फिर उसने मुझे बेइज्जत किया था, एंड यू नो दैट। नो, आई डोंट नो दैट, और मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। You just leave me alone. For God's sake, leave me alone, please. निशा, मुझे लेना देना है, क्योंकि पुलिस को आज तक नहीं मालूम है कि नितिन को किसने घायल किया है। मेरा यकीन करो, मैंने आज तक पुलिस को यह नहीं बताया कि नितिन को किसने घायल किया है। और मैंने सिर्फ दीपक को धमकाने के लिए ये ब्लैकमेलिंग का नाटक किया था, वरना किसी को घायल करने की सजा भी उतनी ही होती है। तो तुम मुझे धमका रहे हो? नहीं निशा, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरी कोई ऐसी इंटेंशन होती तो मैं दीपक का नाम कब का पुलिस को बता चुका होता। क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ? हो भी सकता है, लेकिन अब मैं दीपक के रिश्ते के अलावा किसी और रिश्ते की परवाह नहीं कर सकती। प्लीज निशा, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैंने तुम्हारी माँ से वायदा किया था कि मैं हरदम तुम्हारे पर नजर रखूंगा, तुम्हारी हिफाजत करूंगा। नहीं चाहिए आपकी काली नजर जो घरों को बर्बाद कर देती है, और ना ही आपकी हिफाजत जो अपनों में दुश्मनी पैदा कर देती है। आई डोंट वांट यू इन माय लाइफ, यू गेट इट? निशा, मेरी बात समझो। निशा, मैं चिल्लाऊंगी, मेरा हाथ छोड़ दो। क्या बात कर रहे हो? आपको परेशान कर रहा है ये? हाथ छोड़।
क्यों हाथ क्यों लगा रहा मैडम को? ए, तू कौन बीच में बोलने वाला होता है? ये हमारे घर का मामला है, ये मेरी भांजी है निशा। ये देखता क्या? हाँ क्या देखता? मैं तेरे को बोला ना दूसरों के फटे में हाथ नहीं डालने का, बोला ना? ब्लडी इडियट, गेट आउट, निकल ले। देख लूंगा बुड्ढे, तुझे छोड़ूंगा नहीं। देखेगा मैं ये आऊं निशा। बॉबी आखिर हम लोग पुलिस की मदद के भरोसे कब तक बैठे रहेंगे? अगर हमने ये फैसला कर लिया है कि हम नैयर खानदान की मदद करेंगे, उनकी हिफाजत करेंगे, तो हमें भी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। किस तरह के कदमों की बात कर रहे हो तुम? वो कदम जो हमारी कोशिशों को सच्चा साबित करेंगे, वो कदम जो हमें अशोक के घर की तरफ ले जाएंगे और उस चुराई हुई फाइल को वापस हासिल करवाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? हम लोग चोरी करेंगे? अरे इसमें चोरी वाली कौन सी बात हो गई? दिस इज टिट फॉर टैट। उसने जैसा हमारे साथ किया हम भी उसके साथ वैसे ही कर रहे हैं। मगर हम अशोक नहीं है संजीव, उसकी फितरत और हमारी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम वैसी हरकत करते जैसी वो करता है तो उसमें हमारे अंदर फर्क क्या रह जाएगा? तो फर्क देखने का नजरिया इख्तियार करो बॉबी। तुम्हारी ये सोच सिर्फ एक बहाना है, हकीकत यह है कि तुम अशोक से डरते हो, उसके एहसानों तले इस कदर दबे हुए हो कि उसके खिलाफ जाने से अपने आप को रोक रहे हो। नहीं ये बात नहीं है संजीव। बॉबी कोई और बात हो ही नहीं सकती। तुम्हारी ये दलील कि हम चोरों के घर चोरी करके चोरों जैसे हो जाएंगे, ये बिल्कुल बकवास है। क्योंकि हम चोरों के घर चोरी किसी की मदद करने के लिए कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा फर्क होता है। मैंने तो फैसला कर लिया, मैं अशोक के घर जा रहा हूं। तुम्हें अगर मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना यहीं बैठे रहो। ओके, जब ओखली में सर दे ही दिया तो अशोक से क्या डरना। चल चलते हैं। हेलो। हेलो जया, मैं प्रीति बोल रही हूँ। तुम मेरा एक काम करोगी प्लीज? अरे आप ऑर्डर तो करिए मैम। ऑर्डर नहीं जाए, जस्ट रिक्वेस्ट। मैं उस इंस्पेक्टर से मिलना चाहती हूँ जिसे तुमने हरीश गिडवानी की फाइल तलाश करने के लिए लगाया। ठीक है, लेकिन तुम्हें उससे क्या काम है? एक्चुअली मैं उसे नितिन के एक्सीडेंट के केस के बारे में बताना चाहती थी। नितिन का केस एक हादसा नहीं, एन अटेम्प्ट टू मर्डर है। तुम्हें किसने बताया? पहले ये शक खुद इंस्पेक्टर थापर ने जाहिर किया था, लेकिन अब तुम्हारे फोन आने से पहले मैंने प्रीति से बात की है और उसने किसी दीपक का नाम लेके उस शक को यकीन में बदल दिया है। प्रिया ने फोन किया तुमको? हाँ, इसमें हैरानी की क्या बात है? हैरानी सिर्फ इस बात की है कि प्रिया ने फाइनली डिसाइड किया कि दीपक को सजा मिलनी ही चाहिए। थैंक गॉड। दिक्कत सिर्फ नितिन की तरफ से है, वो शायद अपने बयान में दीपक का नाम नहीं लेना चाहता। मैंने अभी प्रिया से कहा है कि इंस्पेक्टर थापर जवाब हासिल करना अच्छी तरह जानता है, वो दीपक को छोड़ेगा नहीं। नहीं नहीं देखो जया, मैं ये नहीं चाहती कि दीपक को सजा ही मिले, लेकिन उसे सबक जरूर मिलना चाहिए। देखो प्रीति, सजा से बेहतर सबक और कुछ हो नहीं सकता है। Now you don't get sympathetic, okay? इंस्पेक्टर थापर को ये केस हैंडल करने दो जिस तरह वो चाहता है। मैं उसे कहूंगी कि जाके नितिन को मिल ले। यू डोंट वरी, ओके? थैंक यू वेरी मच, बाय। जया जो कहती है बिल्कुल सही कह रही है, सजा का दूसरा नाम ही सबक है।